सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूएसटीआर ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की सूची को संशोधित करके भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया है। यूएसटीआर ने अमेरिकी काउंटरवेलिंग ड्यूटी कानूनों के तहत आने वाले सबसे अल्प विकसित देशों की सूची को भी अपडेट किया है। अन्य देश जिन्हें सूची से बाहर किया गया है उनमें थाईलैंड, वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत समेत इन तमाम देशों को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी का दर्जा न दिया जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने तो यहां तक कह दिया है कि जिन देशों का वैश्विक व्यापार में 0.5% से ज्यादा हिस्सा होता है ऐसे देशों को काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नियमों के तहत विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत भी ऐसे ही देशों की सूची में शामिल हो चुका है। उरुग्वे समझौते के दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने सीवीडी कानून में संशोधन किया था। यह संशोधन विश्व व्यापार संगठन के तहत सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मेजर्स पर हुए समझौते में अमेरिकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आईएससीएम समझौते के तहत विकसित देशों का दर्जा न पाने वाले देशों के साथ काउंटर वेलिंग कानूनों के तहत खास बर्ताव किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर होंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को विकसित देशों की सूची में डालकर भारत को चिंता में डाल दिया है। भारत के जीएसपी में वापस न आने पर उसे 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं अगर भारत विकसित देशों की श्रेणी में आता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसकी जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी। आइए यूएसटीआर के कुछ आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विकसित देश घोषित करने का पैमाना वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी क्या वाकई सही है। यूएसटीआर का मानना है कि जिन देशों का वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा 0.5% या उससे अधिक है यूएसटीआर उन्हें अमेरिकी सीवीडी नियम के तहत विकसित देश मानती है। यूएसटीआर आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारत का वैश्विक निर्यात में 1.67% और वैश्विक आयात में 2.57% हिस्सा था। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के इस कदम के पीछे उसके निहित स्वार्थ हैं। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान में करीब 40,000 करोड़ के सामान पर ही जीएसपी की सुविधा लागू होती थी। अमेरिका की ओर से मिलने वाले जीएसपी स्टेट्स को पाने वाला भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच साल 2017 के हिसाब से $126.2 बिलियन का व्यापार होता है। अगर इसे भारतीय रुपयों के हिसाब से देखें तो 8.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास बन रहे हैं। वहीं इसमें भारत की भागीदारी $76.7 बिलियन यानी 5.43 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी $49.4 बिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए की है। आइए आखिर में समझते हैं कि आखिर जीएसपी है क्या। आसान शब्दों में जीएसपी को सामान्य कर मुक्त प्रावधानों के तौर पर समझा जा सकता है। साल 1976 में अमेरिका ने इसकी शुरुआत विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के मकसद से की थी। इसके तहत कुछ चुनिंदा सामानों के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब जीएसपी के तहत अमेरिका भारत से जिन सामानों का आयात करेगा उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अभी तक 129 देशों को करीब 4,800 सामानों के लिए जीएसपी के तहत फायदा मिला है। गौरतलब है कि भारत जीएसपी का सबसे बड़ा लाभार्थी देश है। साल 2017 में अमेरिका में आयात पर कुल $21.1 अरब का शुल्क माफ किया गया था जिनमें $5.6 अरब का लाभ अकेले भारत को मिला था।